السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. نے برأيك سمجھ رکھا ہے يسمي لكا هيك وهما قابوس باهر. कैसी बुरी तजवीज़ है जो वो कर रहे हैं यकीनन जिसे अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद है तो उसका वक्त आने वाला है और वो सुनने और जानने वाला है नाज़िर नाजिराम इससे पहले हमने सूर्न कबूत की चंद आयतों की तफसर और उससे मतलब मसाइल बयान किए थे आज हम आपकी ख़दमत में हाजिर हैं सूर्कबूत की आयत नंबर चार और पाँच दो आयतों की तफसीर ले के जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान की नफ्सिया और ज़मीनी सूरत हाल को बयान किया है फरमाए कि अम हसबल या मलोन सयात अन्यूना वो लोग जो गुनाह करते हैं बुराइयाँ करते हैं क्या वो ये समझ रहे हैं कि हमारे काबू से बाहर हैं आदमी जब गुनाह करता है नाफरमानी करता है और अल्लाह की पकड़ नहीं आती तो समझता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आज दुनिया में सूद और सूद के फरोग का जो सबब है रिश्वत का जो सबब है हराम खोरी का या एक दूसरे का माल हड़प कर लेने का और शिरक बिदात कुफ्र और गुनाह के जितने बड़े बड़े काम बंदा करता है और उस पर उसको कामयाबी मिलती जाती है कहीं से रुकावट नहीं होती तो वो ये समझता है कि वो बहुत आगे चला गया उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं तो फरमाए कि क्या ये ये समझ रहे हैं कि ये लोग हमारे काबू से बाहर हैं कोई हमारे काबू से बाहर नहीं है बस अल्लाह ताला मोहलत देता है ढील देता है फरमाए कि कितना बुरा फ़ैसला है जो ये लोग कर रहे हैं इसलिए कि हर बुरा अमल, हर हराम काम बुरा अमल है और बुरा अमल वही हराम काम है अल्लाह ताला गुनहगार को मोहलत तो देता है लेकिन गुनहगार कब तक ढील पाएगा कब तक उसे मोहलत देगा उसका एक वक्त मुकर्रर है अल्लाह बंदे को तौबा का वक्त देता है और जब चाहेगा अल्लाह बंदे से इंतकाम ले लेगा बंदे की गिरफ्त कर लेगा सज़ा दे देगा बंदा अल्लाह के आगे बेबस है फावत वर्ज आसमान और ज़मीन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह को आजिज़ कर सके कि अल्लाह उसके आगे बेबस हो गया पकड़ नहीं पाएगा मोहलत दे देगा ढील दे देगा दे 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 तो एक बातिल सोच गलत नजरिया अरे फला देखो हराम काम किया तो इतने आगे चला गया फ़ला ने चोरी किया तो बहुत आगे चला गया फलां तो लूट करके बैंक लूटा तो बहुत तरक्की कर गया उसके कुछ नहीं हुआ आज हमारे तलबा जो पढ़ते लिखते नहीं वो कहते हैं कि देखो फलाँ दसवीं फेल था तो देखो दुनिया का बहुत बड़ा बिज़नस मैन बन गया फ़लाँ ने बारहवीं किया और वो दुनिया का टॉपर बिजनस मैन है पढ़ करके क्या फ़ायदा यानी बुरे लोगों के बुरे अमल को अगर कोई हजत बनाए दलील बनाए तो वो कितना बदनसीब है इंसान वो अल्लाह की कुदरत को नहीं समझ रहा है कोई भी अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं हो सकता तो इस पहली आयत में अल्लाह ने डराया है वीद नाजिल किए धमकाया है कि अगर कोई ये अकीदा रखता है कि वो अल्लाह की पकड़ से बाहर है तो वह बातिल अकीदा है और दूसरी जो चीज़ या दूसरा जो मसला इस पहली आयत में बताया गया कि बुरे अमल का बुरा नतीजा हमेशा होता है सामा यमून बुरी सोच का बुरा अंजाम होता है बुरे अमल का बुरा नतीजा होता है बुराई करने वाला ज़रूर वो उस बुराई के नतीजे से गुज़रेगा इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मन कान का नरजूल अल्लाह, जो अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद करता है तो उसका वक्त आने वाला है और अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद करने वाला वो बुरी सोच नहीं रखेगा बुरे अमल पर इसरार नहीं करेगा बुराई पे कायम नहीं रहेगा बुरे और सरकश लोगों को हुज्जत और दलील नहीं बनाएगा फरमाए की फिन वीआलीम वह सुनने और जानने वाला है दूसरी जगह फरमाया फमन का नयरजुल जो शख्स अपने रब से मुलाकात करना चाहे तो उसे चाहिए कि नेक अमल करे यानी रब की मुलाकात किससे होगी नेक लोगों से होगी बुरे लोगों पे तो अल्लाह गजबनाक होगा उनकी तरफ नजर करम भी नहीं करेगा मुलाकात तो दूर की बात है तो आमाल सालेहा रब से मुलाकात का एक बेहतरीन जरिया है और अल्लाह सुनने और जानने वाला है सुनने की दो सूरत होती है एक है सुनना समय इदराक यानी सिर्फ़ सुन लेना दूसरा है समय इजाब यानी सुनना और जवाब देना अल्लाह ताला सुनता भी है और जहाँ जवाब देना है जवाब भी देता है व इधा सल इबाद अन्नी फ़न्नी करीब अजीब फल यस्तजी बोली वल मेनू भी लुम यरशदून जब आपसे मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे सवाल करे तो कह दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ बंदे से पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ उस पर ब्बैक कहता हूँ उसका जवाब देता हूँ उसकी मुरादें पूरी करता हूँ इसलिए बंदों को चाहिए कि मुझे पुकारें और मुझ पर ईमान रखें ताकि वो हिदायत पर रहें तो अल्लाह सुनता भी है उसका जवाब भी देता है उसका जो है बंदा मांगता है तो उसे अता भी करता है सारी चीज़ों को अल्लाह ने सिखा दिया तो फरमाया कि अल्लाह आलमीन से मुलाकात की तमन्ना करने वाला यही उसका होमवर्क दिया गया उसे कि वो नेक अमल करता रहे और नेक अमल में नेकी ही क्या है भलाई क्या है पूरी तफसील अल्लाह ने अपने दीन में समझा दी कि कौन सा अमल अच्छा है कौन सा अमल बुरा है और कुरान करीम की तिलावत ये आमाल साल का एक बेहतरीन रास्ता है कि बंदा अल्लाह के कलाम को पढ़े जितना हो सके हम कुरान की तिलावत करें कुरान का तर्जुमा समझें और पढ़ें और समझाएं, अल्लाह के कलाम को पढ़ना सुनना समझना अमल करना यही सबसे बड़ी नेकी है और इत्मीनान दिला दिया अल्लाह ताला ने जहाँ पहली आयत में डराया और धमकाया है सरकशों को या मुजरिमीन की तरफ़ निगाह दौड़ा कर उनके रास्ते पर चलने वालों को वही दूसरी आयत में इत्मीनान दिला दिया कि जो अल्लाह से मुलाकात की तमन्ना करता है तो उसका वक्त आने वाला है गोया भलाई करने वाले को इत्मीनान दिलाया और बुराई के रास्ते पर चलने वाले को डराया और धमकाया और इतमिन दिलाने के साथ दूसरी याद में जो दूसरा मसला बताया अल्लाह ताला ने कि जजा और सज़ा यानी बंदा जो कुछ करता है उसका बदला पाएगा उसके लिए एक दिन मुकर किया है वो कौन सा दिन है क़्यामत का दिन फ़ा अजल्लात ला अल्लाह से मुलाकात के वक्त आने वाला है और अल्लाह सुनने और जानने वाला है अल्लाह से दुआ कि अल्लाह त हमें अपने आमाल साल के साथ क़्यात के दिन अपनी मुलाकात का शरफ़ अता करे और दुनिया में जो लोग जुल्म जुर्म और सरकशी और बुराई कर रहे हैं या बुराई करने वालों को देख कर उनके रास्ते पर चलना चाह रहे हैं अल्लाह उनके शर से उनके मकर से उनके रास्ते से उनके अंजाम से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें आमाले सालह की तोफीक़ बख्शे आबिन अला नबीना मुहम्मद व अला महम्मद व वसब अजमैन साबिन कराम हमारे साथ जुड़े रहिए इसके बाद की मजलिस में इनशा हम सूर्य आलकबूत की मजीद चंद आयतें आयत नंबर छः और सात ले के हाजिर होंगे उसकी तफसीर उससे पेश आने वाले मसाइल आपकी खिदमत पर रखेंगे हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और खिदमत का मौका देंगे अलहमदुल्ल इस क्लिप को बनाने में फिरोजा बीबी ने पूरा ताउन किया है ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें